ये सब ये 10 रियाल का है, ये पैकेट है 24 रियाल का, आप हिसाब लगा लेना। डिपिंग वाला है ये, ब्लैक टी, ये डिपिंग वाला है 24 रियाल का, ये तो यही पीता हूँ मैं, ब्लैक टी में फ्लेवर अच्छा है इसका। और ये येलो लिप्टन, इसमें ग्रीन टी भी आती है लेकिन यहाँ है नहीं ग्रीन टी। और ये सब चाय यहाँ सब, ये अचार है सब, यहाँ पर लोगों को मीठा खाने की बहुत आदत है। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये केक्स वगैरह हैं, यहाँ केक बनाते हैं लोग, बनाकर खुद खाते हैं, ऐसा नहीं है कि बेकरी पर जाओ वहाँ बनवा कर लाओ, यहाँ खुद बना लेते हैं लोग। और ये सब चीज़ है, ये मेरी फेवरेट है क्रीम, इसमें थोड़ा सा हनी भी होता है, शहद होता है मिला हुआ, खाने में बहुत मज़ा आता है। और ये जो है ये मैं बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ चाय बनाते हैं दूध की, यहाँ पे क्या होता है, आप पत्ती डालो पानी में, चीनी डालो और ऊपर से थोड़ा सा ही डाल दो, सेम सेम चाय का फ्लेवर आता है, जैसे हमारे यहाँ चाय बनती है ना दूध की, ऐसा ही फ्लेवर आता है। और ये है खाने का आइटम, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सब्जी बनाओ लेकर आओ बाजार से, काटो उसके बाद बनाओ, यहाँ पर सब आता है रेडीमेड, सिर्फ आपको थोड़ा सा तेल डालना है और ऊपर से ये डाल दो, डब्बा खोल के खाना बन जाएगा आपका, बीन्स वगैरह सब कुछ है यहाँ, मटर एवरीथिंग इज हियर, सब कुछ मिलेगा आपको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है किसी बाज़ार में, यहाँ सब रेडीमेड। और ये मायोनेस केचप सॉस मिलेगा आपको यहाँ पर, स्पाइसी जो बर्गर वगैरह में खाते हैं हम, यहाँ ये सब सॉस वगैरह मिलेगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है, और जो मुझे चाहिए था कि क्या चाहिए था मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे चाहिए था ये मैगी, मुझे खानी थी मैगी तो मैं मैगी लेने आया था, और एक चीज़ और चाहिए मुझे, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। मुझे लेनी थी मैगी, मैगी मुझे ये चाहिए था, मैगी नूडल्स, तो मैंने 2 पीस ले लिए हैं। यहाँ पर मीट मिलता है रेडीमेड, और ये कितने का है, 14 रियाल का, आप हिसाब लगा लेना। ये मीट है और ये फिश है, तो एक चीज़ मुझे और लेनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वेट, मुझे आइसक्रीम खानी थी तो एक आइसक्रीम भी ले लेते हैं, ये ले ली आइसक्रीम, और इसको बंद कर देते हैं, एक आइसक्रीम दिखाता हूँ मैं, ये है आइसक्रीम। और ये एक पीस कितने का है, 5 रियाल का, लेकिन चीज़ है खाने में मज़ा आ जाएगा, ये 5 रियाल की एक पीस है, हिसाब लगा लेना आप। आज कुछ नया ट्राई करते हैं, ये देखते हैं, आज ये वाली खाते हैं कैसी है खाने में। तो मैंने ली है आज ये, आज ये ट्राई करते हैं, वनीला आइसक्रीम 1.5 रियाल की है, और एक टाइट, कुछ सामान गिराना नहीं चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, इसको रख दिया। और एक मैंने ले लिया है, मैंने टाइट लिया है, और ये आइसक्रीम ली है, और नूडल्स लिए हैं। सऊदी में परचून की दुकान, मोहल्ले की दुकान, जिसको मोहल्ले की दुकान बोलते हैं ना, ये हमारे मोहल्ले की दुकान है सऊदी के। अगर आपको
पसंद आई है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए। तो ये हमारे मोहल्ले की दुकान है, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर छोटी से बड़ी चीज़ सब कुछ मिलेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियोस के लिए। ये तो छोटी दुकान है, मैं किसी दिन बड़ी मार्केट में जाऊंगा और वहाँ दिखाऊंगा आपको कि वहाँ क्या क्या मिलता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो भी गलती हो बताएं मुझे ताकि मैं उसको सुधारूं। आज का जो मेरा व्लॉग था वो आपने देखा, और जो मैंने व्लॉग बनाया है ऐसे ही इंशाल्लाह व्लॉग बनाने हैं सऊदी अरबिया के बारे में, और आप लोगों को बताना है कि सऊदी में कैसी लाइफ है, यहाँ की लाइफ कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि मुझ में भी एक जुनून आए कि हाँ भाई अब वीडियो बनानी है, नई वीडियो बनानी है, नई वीडियो लेकर आनी है और दिखानी है कि सऊदी में कैसी लाइफ होती है। तो मैं माइक लेकर आ गया और देखते हैं कैसी आवाज़ आती है, शायद आपको सही आवाज़ नहीं आए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो कैसी लगी है वो ज़रूर बताएं। और ये पता है आपको क्या है, No! अपने मोहल्ले की दुकान से, अपनी परचून की दुकान से खरीदी है ये, और टेस्ट करते हैं देखते हैं। वनीला आइसक्रीम, वनीला मैं नहीं खाता, मुझे दूसरी वाली पसंद चॉकलेट वाली, पर वो मिली नहीं, ख़त्म हो गई है, तो मैं ये ले आया और अच्छा है, टेस्ट अच्छा है इसका। सऊदी के बारे में, अभी कोरोना कैसा है सऊदी में, कोरोना कैसा है सऊदी में, काम कैसा है, तो यही जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप इस पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो और सऊदी काफ़ी लोग आना चाहते, लोग सऊदी आना चाहते हैं, सोचते हैं कि सऊदी में काफ़ी मुश्किल होती है, लोग परेशान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब आपके ऊपर है, आप कैसे हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास कितनी नॉलेज है, आपने कितनी स्टडी की है, कितने पढ़ाई की है, उसी के बेस पे आपको यहाँ आपको काम मिलता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो सऊदी है और मैं अजनबी हूँ, मैं इंडियन हूँ और वो सऊदी है तो हम में भेदभाव होगा, ऐसा नहीं है, सब एक हैं, सबके लिए कानून एक है, सबके लिए रूल्स एक है, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ सबके लिए एक है, ऐसा नहीं है कि उसको छूट मिलेगी, कुछ गलत करेगा और मुझे नहीं मिलेगी, नहीं, सबके लिए बराबर है, जो उसके लिए है वो मेरे लिए है। यहाँ का जो सिस्टम है पुलिस का, सब कुछ नंबर वन है। वीडियो बहुत लंबी हो गई, अच्छा लगा आपसे बात कर, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को पता लगे, क्योंकि बहुत लोग हैं यार जो जानना चाहते हैं सऊदी के बारे में कि सऊदी क्या है, सऊदी कैसी लाइफ है, तुम्हारा भाई डालेगा वीडियो, बस सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करना है बस।